जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम गुड न्यूज शेयर करते हैं माशाल्लाह से कि मेरी सभा को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक बेटी देगा या बेटा देगा। तो अभी जो है ना यही बात आपके साथ शेयर करेंगे। मुबारकबाद आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी मुबारक, खैर मुबारक जी। माशाल्लाह हमारे दो माशाल्लाह से मुन्ने शहजादे हैं, इनकी जब क्यूट सी है, इनकी तरह सोनी सोनी प्यारी प्यारी बेटी होगी ना, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना हमारे घर में रौनक पड़ी। बाकी ये मेरे घर के बाहर वाली जो गली है ना, ये बिल्कुल साफ रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना झाड़ू लगाया जाता है। तो जी माशाल्लाह से आज जो है ना दोनों मेन गेट लग चुके हैं। अभी जो है मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी जो है ना न्यू व्लॉग के साथ आप सब बहन भाइयों के साथ जो है ना हाजिर हुए हैं, और मैंने जो है ना मेरे जनाब चले गए थे शहर और कुछ सामान लेना था और मैंने बताया भी नहीं, और माशाल्लाह से अपना दिमाग लगा के जो है ना घर के सौदे लेके आए हैं। आपको पता है कि मैं आजकल जो है ना घर का ख्याल ही नहीं रखती हूँ, ना ही चीज़ों का पता होता है कि क्या खाता मैं क्या नहीं खाता। मैं तो ताज़ा मंगवाती रहती हूँ, लेकिन शायद उसने देखा है कि क्या क्या चीज़ जो है ना वो ख़त्म हुई। तो अभी जो है ना देखते हैं सामान के मेरे शहजादा जो है ना कौन कौन सा सामान लेके आया है और क्या क्या चीज़ जो है ना ख़त्म हुई पड़ी थी। पहले पहले जो है ना चाय की पत्ती जो है ना वो निकली है आधा किलो। अच्छा जी, उसके बाद जनाब तेरी खैर घी, हालांकि घी का किलो मैंने परसों वाले दिन मंगवाया था, कल का दिन इस्तेमाल किया और परसों के दिन इस्तेमाल किया, अभी दो या तीन दिन का सालन बनेगा उसमें, लेकिन देखो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से और घी भी आ चुका है माशाल्लाह। देखो कितना प्यारा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे शहजादों से भी बढ़ के दिया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मीठा सोडा, ये अभी हमने ना चने जो है ना वो बॉयल करने हैं, और उसके बाद ये है धनिया पाउडर, उसके बाद जनाब हैदरी मिर्च। अच्छा मजे की बात ये है, मिर्चियों का डब्बा जो है ना वो फुल हुआ रखे अभी तक, लेकिन और लेके आ चुका है एडवांस, कि कभी ख़त्म भी हो जाए ना दिमाग में, तो मैं आजकल सामान रखती नहीं हूँ और जो है ना दोबारा मंगवाना ना पड़े, ये रखी हूँ एडवांस। यार वाह यार कमाल है, अल्लाह पाक सबको जो है ना ऐसे शहजादे दे जैसे मेरा शहजादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम भी करते हैं ना एडवांस करता है, सारा सामान एडवांस मंगवा के रखता है। अभी चीनी जो है ना वो भी हमने जो है ना एडवांस मंगा के रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ना जब से माह रमजान आया है सारा सामान एडवांस मंगवा के रखता है। अच्छा मजे की बात ये है, आज मैंने आटे का बोला है और उसने कहा आटा जो है ना हम अभी नहीं लेंगे, अभी जो है ना वो दूसरा लेंगे थैली वाला, वो जो है ना ज्यादा मैदा होता है ना सफेद रोटी बनती है तो वो ज्यादा प्यारी लगती है, तो ये कहते हैं गंदम नहीं पिसवाएंगे वही वाला आटा देंगे। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। चलो ये है हमारे पकौड़ों के लिए बेसन, ये भी रखा हुआ था आज का भी कल का भी, लेकिन आज दोबारा से और आ चुका है। वाह यार कमाल की बात है। तो जिनके हस्बैंड जो है ना वो एडवांस चीज़ें नहीं मंगवा के देते ना, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और वो भी इसी तरह काम करे जैसे मेरा शहजादा जो है ना काम करता है, एडवांस चीज़ें मंगवा के रखता है, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चले जी इसको रखते हैं यहाँ पे, और पहले जो है ना उठाते हैं यहाँ से चने। ये आ गए जी हमारे चने, हमने ना ये मेरे शहजादे के काम है, ये सारे सौदे जो है ना उसने यहाँ पे मुझसे सेट करवाए हैं, कि आप हर चीज़ जो है ना बार बार जाती हो कमरे में लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थक जाती हो, ये करती हो फलान करती हो ऐसे, हालांकि मैं थकती नहीं हूँ, वर्जिश होती है पैदल चलने से, लेकिन खैर कोई नहीं, फिर भी जो है ना मेरा कुछ वो हो गया है, भला हो गया है। अच्छा अभी चलते हैं कमरे में, वहां से लेते हैं कुकर, जो कि कुकर हमने लिया है। अच्छा मजे की बात है प्यारे बहन भाई, जो हमारा कुकर है ना उसकी जो ऊपर वाली सीटी होती है ना वो वाली जो है ना मेरे हाथ से गिरी है और उसके ऊपर से वो टूट गई है, तो क्या वो अलहदा मिल जाती है? आप लोगों ने कॉमेंट्स में मुझे बताना, फिर इंशाल्लाह मैं वो ले आऊँगी, अगर अलहदा मिलती है, अगर नहीं मिलती फिर तो हमारा कुकर जो है ना वो जाया गया। तो अभी जो है ना अलमारी के नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ पे देखे कहीं ना जो है ना नज़र नहीं आ रहा, उस अलमारी में देखे वहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ एक अंडा रखा हुआ है बस।
अच्छा मुर्गियों ने एक अंडा दिया आज मैं अंडा देखने भी नहीं गया, कमाल है। अच्छा इधर देखते हैं, इधर छाबियां रखी हैं, पानी की बोतल रखी है, जमजम वाली। अभी भी हमारे पास जमजम का पानी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वाजिला मिल गया हमारा कुत्ता, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये आ गया जी हमारा कुकर। इसके ऊपर वाली सीट ही नहीं है यार, जहाँ पे जो लगती है ना उसके ऊपर वाला हिस्सा टूट गया। अभी मैंने सिस्टर को भेजा है, वो हमारी हमसाई का है, मैंने कहा उससे ले आओ। अब पता नहीं वो आई है घर या नहीं आई। ले आई, वाह जी वाह। हमसाई हमारी जो है ना आज ज्यादातर होती है अपनी अम्मी के घर, वो घर नहीं बैठती, तो अभी मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा आके मुझे सीटी दो, मैंने काम करने लेट हो रही है, तो अभी बेचारी वापसी आई अम्मी के घर से और मुझे सीटी दे दी है। माशाल्लाह हमारे हमसाई भी बहुत अच्छे हैं हमारी तरह। अभी जो है ना पानी भरना हमने शुरू कर दिया है, और जल्दी से पानी जो है ना मैं भर के चने जो है ना वो चढ़ा देती हूँ उबाल होने के लिए, फिर पकौड़ों के जो है ना आलू का आज, हाँ आज हमने ना प्याज वाले पकौड़े बनाने हैं, आलू वाले पकौड़े नहीं बनाने, आज सारे मैं प्याज वाले पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने लिए डेली जो है ना वो एक प्याज काट के प्याज वाले पकौड़े बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो रात जो है ना मेरे शहजादे ने कहा आज जो है ना आपने सारे प्याज वाले पकौड़े बनाने, तो अभी मैं प्याज काटना शुरू होंगी और रोटी भी रहूँगी साथ साथ और प्याज भी काटूँगी। तो मीठा सोडा जो है ना हम अभी नहीं डालेंगे, बल्कि अभी डाल देंगे, क्योंकि मैं इसका ढकना तो बंद करके रख दूंगी, फिर कैसे खोलूंगी। लेकिन कहते हैं कि नीम गर्म पानी हो तो फिर जाके जो है ना मीठा सोडा डालना चाहिए, लेकिन अभी हमने जो अपनी टूटी से पानी भरा है ना इसमें भी गर्म पानी था बस, ज्यादा नहीं ऐड करते क्योंकि रोजेदार है ना, फिर मुझे तकलीफ ना हो जाए मीठे सोडे की वजह से। चले जी अभी जो है ना हमने चने भी ऐड कर दिए हैं, और आज ज्यादा चने नहीं बनाएंगे क्योंकि रोजा होता है ना, पानी वगैरह पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो है ना हमने इधर जो है ना बोतलों की बरसात हो रही है, नीचे गिर रही है, और अभी जो है ना मैंने कुकर को बंद कर दिया, सीटी भी लगा दी है, और अभी चूल्हा जलाते हैं, इसके बाद जो है ना इसको चढ़ाते हैं कुकर। चले जी सिलेंडर को आग लगा दी, कुकर ऊपर चढ़ा दिया, ये यहाँ पे बनता रहेगा, और अभी हम ना बनाते हैं पकौड़े, क्योंकि जब तक हमारे छोले जो है ना वो बॉयल होंगे तब तक मैं पकोड़े बना लूंगी, फिर आटा गूंथ के उसके बाद मैं सालन रेडी करूंगी, सालन रेडी करके फिर रोटी बना लूंगी। अभी जो है ना हम प्याज लेके आ चुके हैं काटने के लिए, और ये प्याज इतना रुलाते हैं, इतना रुलाते हैं जैसे मियाँ बीवी को रुलाता है, लेकिन खैर मेरा शहजादा कभी भी नहीं मुझे उसने रुलाया, लेकिन कुछ बहनों के हस्बैंड जो है ना ऐसे होते हैं, तो उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई ऐसे ना किया करें, औरतें जो है ना वो छोटे दिल की मालिक होती हैं, तो ये जो है ना एक रिक्वेस्ट के नाते जो है ना आप लोग अपने बीवियों को ना रुलाया करें, अच्छी बात होती है, अगर रूठ भी जाए बीवियाँ तो उनको मनाया करें, मजे की बात तो ये है, क्योंकि मेरा शहजादा तो मुझे ऐसे मनाता है, मैं अगर रूठ भी जाऊँ किसी बात पर फिर भी मनाता है, लेकिन आप लोग भी ऐसे किया करें। अभी जो है ना प्याज काटना मैंने शुरू कर दिया, और इन्होंने जो है ना मेरी आंखों का बुरा हाल कर दिया, सुझा दिया रुला रुला के, और बस एक प्याज रह गया, दुआ करें ये भी जल्दी से कट हो जाए, उसके बाद जो है ना अबू जान ने कहा मैंने प्याज वाले पकौड़े नहीं खाने, मैंने खाने आलू वाले, तो अबू जान के लिए मैं ना दो आलू छीन लिए है, तो अबू जान के लिए अलग पकौड़े बनाए गए आलू वाले, पहले मैं जो है ना आलू वाले दो बना लूँगी, उसके बाद जो है ना फिर प्याज वाले बनाऊंगी, और उधर जो है ना कुकर हमारे की सीटी जो है ना वो बज रही है सवेर की। तो जी ये जो है ना हम सारे टाइम देख लेते हैं ना, तो थोड़ी सी बच जाते हैं, फिर हम रख देते हैं फ्रिज में, फिर जब अफ्तारी के टाइम पकोड़े बनाते हैं ना इसका, फिर हम बनाते रहता तो इतनी मजा आता है ना है। और अभी जो है ना मैं इसको डाल के रख रही हूँ इस पतीली में, ये देखिए
इसमें फिर मैं बनाऊंगी पकौड़े मतलब बेसन, फिर जो है ना हम बनाएंगे पकौड़े। और मेरा शहजादा मुझे लगता है आ चुका है, गाड़ी की आवाज़ें जो है ना वो आ रही है। आवन शहजादा आओ। अरे घर में ना हो ना रौनक भी नहीं होती सच्ची। वो ना किसी हस्बैंड कहते हैं कि हस्बैंड चला जाए थोड़ा सुकून आ जाएगा, लेकिन जब हमारा हस्बैंड जाए ना कहीं तो बेचैनी सी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं जो है ना वो शहर गया था सौदे से, वहाँ कुछ लेने थे। कल की सब्ज़ी ली है, मटर और गाजर, और आज के लिए अफ्तारी के लिए बिरयानी भी ले ली है माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं इसको, एक कपड़ों का सूट है और चाय वाली पोनी भी ले ली है। लेट हो जाती है ना सब, ये छानी चाय वाली अच्छे वाली मैंने ली है 50 वाली, ठीक है, क्योंकि वो 20-30 वाली भी थी मैंने वो नहीं ली, मैंने कहा पूरी 50 वाली अच्छे वाली दो। अगुते ये सूट लिया है जो कि मामू जान का बेटा है ना, वो उधर मजदूरों के साथ मिस्त्रियों के साथ ना मजदूरी कर रहा था, तो वो भी बहुत ही ज्यादा निहायत जो है ना वो गरीब है, उसने सूट भी नहीं लिया था ईद का, तो मैंने कहा उसको ना एक सूट दे देते हैं। अबू जान ने भी कहा था कि बेटा उसको भी एक सूट दो गिफ्ट, तो फिर मैंने ना ये सूट लिया है। ये जैसे मैंने पहना हुआ है ना इस तरह की शाइनिंग वाला है, मतलब वो धूप में ना शाइनिंग देता है। मैंने कहा काम काज भी करते हैं ना तो वो भी होता रहे, और ये चेक करो शाइनिंग वाला है, मतलब ये चमकीला है। तो बहन भाइयों आपने बताना ये सूट मैंने सही लिया है, ये मेरे वाला है अभी कुछ मोटा, ये सर्दियों वाला है, ये जो है ना गर्मियों वाला है बारीक है। हाँ आपका तो घटाया है। मेरा तो मैं तो ऐसे गुजारा करता रहता हूँ जी, कोई नहीं, लेकिन जिनको बंदा गिफ्ट करे वो चीज अच्छी गिफ्ट करे। अभी जो है ना हमने पुतली उठा लिया, अभी जो है ना देखते हैं कि हमारे छोले छोले गले हैं या नहीं। मेरा शहजादा बिरयानी लेके आया है, और अभी जो हम अपना जो रायता बनाएंगे ना उसके साथ जाएंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिस बहन भाई ने बिरयानी खानी है ना तो अपने साथ वाले दुकान से लेके खा सकते हैं, क्योंकि इतनी सफर जब करके आएंगे डबल पैसे लगेंगे, तो उससे बेहतर है थोड़े से पैसे लगा के बिरयानी खा रहे हैं, वो खुद घर बना के जाना वो बना के खा रहे हैं, नो टेंशन। अभी जो है ना ढकना शकना उतार लिया, अभी देखते हैं कि गले है या नहीं गले है। मुझे तो नहीं लगता कि गले होंगे। केले गले सदा छोले पता है क्या होता है आपको ना, वो असल में मैं इधर होता ना तो अभी तक गल गए होते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि इसने जैसे चढ़ाया है ना, ये तकरीबन घड़ी पे टाइम देके बेशक 20 नहीं 25 आधा घंटा टाइम देखो, ये ना 5-7 मिनट बार देखती है शायद गल गए हूँ, फिर खोलती है वो गैस खत्म, फिर दोबारा फिर खोलती है वो गैस खत्म। इससे तो बेहतर था उन्हीं में जो है ना वो आधा घंटा हो गया। वो ये वो वाले छोले जो मुंशी भैया लेके आए थे ना, वो छोटे वाले हैं। यार गल जाएंगे, आप इसको ना चढ़ा रहने दो कुछ देर, आप घड़ी पे टाइम लाजमी देखा करो पूरा आधा घंटा। जो आधा घंटा है ना मैं आपको बताऊं बड़ा होता है बड़ा, हम चौक से शॉपिंग करके आ सकते हैं आधे घंटे में, लेकिन यहाँ पे आप वो वेट कर रही होती है ना तो टाइम का इंतजार कर रही होती है, इसको लगता है शायद टाइमिंग टाइम हो गया। टाइमिंग यार हाँ एजे प्याज मैं कह एजे प्याज के पकौड़े बनाने हर चीज मुझसे पूछोगे खुद से भी कर लिया कर कभी। और सबो कैसे? आपसे पूछ के थोड़ी काटे, मैंने अपना दिमाग लगा के काटा। जी जी सबो बहुत अच्छा काम किया, फिर भी अपनी तारीफ करते हैं हमारी तारीफ नहीं की। नहीं नहीं आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरी रानी, अल्लाह खुश रखे। कुराड़ा कुराड़ा लो ना जी, कुराड़ा कुराड़ा सबो, ये तेरा नक नहीं कुराड़ा ये वाला मकोड़ी हाँ।
उसमें भी इतना सारा वो बना हुआ है। फिर मैं तंग जा गई, मैं तू निकलवा देते हैं। हाँ निकलवा दो जान छुड़ाओ, ठीक है। लेकिन फिर डर लगता है। यही तो मैं कहता था कि निकलवा दो जान छुड़ाओ। इतनी आपने पैसा लगवाया वो दूसरी दवाई पे, अब समझ लो वो जाया गया ना। वो डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि निकलवा दो ये आप, उसने अच्छा खुद ही कहा था डॉक्टर ने कि आप पैसा फजूल का लगा रहे हो, ये ठीक नहीं होगा। अल्लाह दी बंदी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वो सही मशवरा देते हैं। अच्छा अभी धनिया काट रही हो? काट लिया। अब किस में डालोगी धनिया? यार चाय वाली छानी है तो सही, ऐसे ही आपने न्यू दिलवाई है। चाय वाली छानी तो है, चाय वाली नहीं है, पकोड़े की है। अभी तो बुखार नहीं आया, इसको इंजेक्शन लगाया? बेबो ते को टीका लगाऊं? एक लगाया से हसन को। बेबो तू धंधी वाला मोटर चला रहे वहां? बेटा रोते नहीं है वो, देखो हसन जानी आपके साथ खेल रहे, रोते नहीं है। ये दरी पकोड़े आज या प्याज वाले ज्यादा हैं? आज प्याज वाले है अपने, और ये अबू ने कहा मैं आलू रखूंगा। सही है, अबू का एक आलू काटा है अपने लिए वो प्याज। तो खीरे वाला भी बना लो कुछ। कौन खाता खीरे वाला? कोई भी नहीं खाएगा, उसमें से पानी निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है ना हमने डाल दिया है, और कढ़ाई जो है ना वो भी चढ़ा दी है, और चूल्हा भी चला दी है, और अभी तक हमारे चने जो है ना वो बॉयल हो रहे हैं, गलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुकर में डाला है, नमक डाला है, सोडा डाला है, फिर भी नहीं गल रहा है, पता नहीं क्यों। अभी घी जैसे गर्म होता है इंशाल्लाह पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और वो कैसे थापिया वाले बनाने हैं? गोल वाले बनाओ, बनाओ वैसे लेकिन उनको थोड़ा गोल करो, मतलब गोल नहीं वो ऐसे ऐसे फीते बनाओ, फीते वाले। हाँ ऐसे हुए है, हुए मामी कबाब, मामी कबाब, मामी कबाब, मामी कबाब। अच्छा चुवाल को आज पास है, कार बजे मैं काम करूँगा। अभी जो ना प्याज हमने डाल दिए हैं, इसके बनाते पहले थापिया, जब तक हमारा घी जो है ना वो भी गर्म हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे पकौड़े। आज हम मजे के छोटे छोटे अंडे बनाएंगे, उससे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बनाए, छोटे तो हैं ये बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पेड़ जो है ना पकौड़े का बन चुका है, और एक जो है ना वो मैंने आलू वाला डाला है, मैंने कहा हसन जानी को दूंगी क्योंकि ये प्याज वाले है ना, ये वो सारा प्याज वाला जी। अभी जान प्याज वाले खाओगे? आज मैं नहीं खाओगे, ना प्याज वाला है, ना आलू वाला है, ना तले गए चाहिए, आज बात कर रही। अच्छा आज अम्मी जान ने जी हर किस्म के पकौड़े से तोबा कर ली है। नींबू वाला पानी बनाएंगे, नमकीन ठंडा बात वो पियोगे, फल करो दूध डाले खाऊंगे, शहतूत नहीं खाऊंगी। शहतूत इतना मीठा था ना रात, इतना मजा आया ना, इसलिए सब बेहोश हो गई थी क्योंकि वो मीठा ज्यादा है ना। फिर हाँ जी हाँ, कुछ बढ़ गया
अबू जान आप कौन से पकौड़े खाओगे? आलू वाले बनाए। अच्छा, अबू जान के लिए जी आलू वाले जी, माशाल्लाह क्या बात है। अम्मी जान ने इनकार कर दिया, जो भी चीज खानी हो ना बता दिया करें, फिर हम वो बनाया करेंगे आपके लिए। खीरे के पकौड़े, टमाटरों के पकौड़े, छोलों वाले पकौड़े। पकौड़ा तली हुई नहीं खाते। हाँ, बात में क्या है, ठंडा होता है वो आपने डबोया था पानी में, वो सबो अपना क्या बिलंगो जो चीज आपको रूह नहीं देगी वो सबको तरसा होगी आज। हम भी तो हैं, बेशक हमें कद्दू नहीं रू देते, सावितुरी नहीं रू देती, खीर पेड़े नहीं रू देते, ये सारी टिंडे नहीं रू देते, मैं सारी चीजें खा रहा हूँ। तो हमें नहीं रू देते, हम नहीं खाते ना, नहीं बना देते, तो हमें ये भी नहीं रू देते। चलो पानी मर दिया था, सुन दे कटोरी। अरे अल्लाह शुक्र है मेरा अल्लाह। क्या वो जो ईद का सूट आपने सिलवाया है अम्मी जान, क्यों के नहीं? क्यों सिला हुआ रखा है? क्या रखे हैं हमारे? तीन सूट आपके सिले हुए रखे हुए हैं जो आपने कभी नहीं पहने? हाँ। अच्छा, फिर तीन दिन ईद होती है, आपने तीनों सूट पहने हैं, ये ना एक सूट पहनो। मैं सारे कपड़े अगले साल सिवे से अबू जान ने कितने सूट सिलवाए हैं? अबू जान आपने कितने सिलवाए? दो दो सूट, एक असलम वाला, एक मदीने माशाल्लाह जी। एक जो है ना अबू जान सिलवा रहे हैं असलम भाई वाला, एक सूट जो है ना वो सिलवा रहे हैं मदीने पाक से, जो है ना वो अबू जान को गिफ्ट मिला था जब हम उम्रे पर गए थे। तो एक अबू जान वो मदीने वाला सूट सिलवाएंगे, एक जो है इधर वाला सिलवाएंगे माशाल्लाह। तो पहले आपने ना वो मदीने पाक वाला पहनना ईद वाले दिन इंशाल्लाह। बस साढ़े थे वैसे। अच्छा वो छोले गले भी हैं या नहीं अभी तक चेक कितने हुए भला? छोल तो छुड़ाए पूछा, गल गए हैं। चलो भी नहीं है। चलो सही है, टेस्टी टेस्टी बनाने जैसे रोज बनाती हो। अच्छा हाँ, ज्यादा टेस्टी नहीं कहती ना, सारा सालन खा। पकौड़े दिखाओ जो बनाए हैं सारे, बहुत अच्छे ओवन मिक्स हैं। ये जी ऊपर आलू वाले और नीचे जो है ना वो दूसरे, माशाल्लाह वीआईपी बन गए हैं। चलो गुड हो गया। हसन जानू, हसन हसन कैसे हो? अभी जो है मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो चलें अभी आपको दिखाता हूँ कौन सी खुशी है। तो जी माशाल्लाह से आज जो है ना दोनों मेन गेट लग चुके हैं माशाल्लाह से। ये जो है पिछले पोर्शन का गेट है, ये जो है ये फर्स्ट पोर्शन का गेट है। किचन बन गया इधर का भी? वो काल प्लास्टर करेंगे या दो दिन बाद? हफ्ते वाले दिन सही है। वॉशरूम का क्या बना? वो फ्लश वगैरह लग गया क्या? वो लगाने अभी? अच्छा सही है। चलें जी, और ये देखें जी गेट जो हमारा है ना, ये छोटा जो दरवाज़ा है ना ये वाला, ये छोटा भी खुलता रहेगा, जब कोई चीज़ गुजारनी होगी तो फिर जो है ना बंदा बड़ा गेट खोल लेगा। तो आज जो है ना ये गेट मुकम्मल होंगे, जो कि फिर हमारे ये घर अभी महफूज हो जाएंगे आज से इंशाल्लाह। ये जो वॉशरूम बनाया ना, इसकी मतलब चुनाई की है अभी, इसके ऊपर अभी छत भी डलनी है ना। सामान तो है छत का, सामान तो नहीं मंगवाना ना, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। सही हो गया। ये मेन गेट भी लग गया, दोनों लग गए माशाल्लाह।
आज मौसम देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बना हुआ है, और सूरज जो है ना अभी ग़ुरूब होने वाला है क्योंकि 5:15 बज चुके हैं। यहाँ पे देखें कितनी VIP सीनरी नज़र आ रही है, गोपे के साथ वाली भी और इस वाली भी, और ये हमारी मेन गली माशाल्लाह कितनी VIP लग रही है, देहाती माहौल भी है। और दूसरा ये हमारी गली इंशाल्लाह जैसे ये काम ख़त्म होगा उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला ये टोटल गली की जो है ना वो सफाई करेंगे। बाकी ये मेरे घर के बाहर वाली जो गली है ना ये बिल्कुल साफ़ रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना झाड़ू लगाया जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा क्या खा रहे हो? बिस्कुट। इसको जो होश नहीं है अभी, बिल्कुल नींद आ गई इसको, फिर हमने ना इसको नहीं जगाया, हमने कहा जो बंदा सोया हो उसे सोया रहने दे, क्योंकि रोज़े होते हैं ना, रोज़ा ना होता फिर तो चले काम का जो बंदा उठा लेता है, जब रोज़ा हो उसको नहीं उठाना चाहिए, ऐसे ना सभा जी? अच्छा क्या देखूँ, आप देखो ना बताओ कैसा बनाया सालाना, मट्टी में जाता देखो देखो जनू खुद दिखाओ ना तुम, क्या कोशिश की है खराब करने की? अच्छा, इतनी शोर क्यों मचाती हो खाम खा? गिर रही है कोई हथे साक है नहीं क्या? मुक्का बैठे दिमाग ही तेरा आज खराब था, बैठे शाट है सही करा नहीं, मैंने कहा मेरी हेल्प की जरूरत है तो आपका दिमाग ठीक करना तो मुझे अच्छे तरीके से ठीक करना आता है, मुझे खुद को आता है सर। चलो फिर मेरा भी कभी खराब हुआ तो आपने करना है ठीक है, ओके। मुझे पता ही नहीं था कि आप खुद ही ठीक करती हो। अब दिखाओ भी। माशाल्लाह जी ये है हमारे चने की रेसिपी, ऊपर उठा के दिखाओ चमचे में, हाय हाय जबरदस्त बेहतरीन सबो, दिल जीत लिया आपने। हाँ जी हमारा रहता रेडी हो रहा है। आज मैंने पता क्या क्या डाला रहते में, एक प्याज, एक टमाटर, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, पुदीना, अभी जो है ना दही लेने जा रही हूँ, ये सारी चीजें डाल के, और नमक जो है आज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि रोजाना मुझसे ज्यादा हो जाता है फिर बीपी हाई हो जाता है, तो आज मैं नमक नहीं डालूंगी, आज खुद जो है ना रोजा इफ्तार करेंगे और जब फीका लगेगा डालेंगे। चलें जी ये हमारी चटनी फुटी गई, अभी जो है ना चलते हैं फ्रिज में दही लेने के लिए। नमक मैं नहीं डाल रही, अपना नमक फिर डालना जितना डाल रहा हूँ। अच्छा उठे क्यों गए? कोई पता नहीं लगता जी, ये सरकारी ट्रेन दा, सरकारी ट्रेन है ना, सरकारी ट्रेन उंदा भी कोई पता नहीं लगता कि किस टाइम थले ला जावे लेना तू, तो बेगम दा भी कोई पता नहीं लगता किस टाइम इन्हों का दिमाग खराब हो जाए, इसलिए मैं साइड पे हो गया जी। चलो जी जाओ तो रायता बनाओ, कहते हैं कि अहमद भाई कोई भी चीज़ है ना वो आप एक साथ लेके आया करो, मतलब चीनी है 10 किलो ले लो, घी है 10 किलो ले लो, कोई भी सब्जी है 10 किलो ले लो, इस तरह मतलब आप बोलते हैं, मैं इसी वजह से मैं नहीं लेता, यकीन करें अगर मैं 10 किलो घी लेऊंगा ना 1 महीने का होगा, अगर मैं एक मिनट गाल थी तो अपना मौके पेश कर रही, पहले मेरे को अपना मौके पेश करने दो, अगर मैं 10 किलो लूंगा तो 10 दिन का होगा, 2 किलो लूंगा तो 10 दिन का होगा, तो मैं क्यों 10 किलो लूंगा?
जब वो ही 10 दिन का होगा। अब धनिया हम लेते थे 20-20 रुपए का, यहाँ का थोड़ा थोड़ा मिलता था। अब मैंने मंडी से लिया, इतनी तकरीबन 1.5-2 किलो था वो, तो वो कल बनाया, परसों वाला दिन बनाया, कल बनाया, आज नहीं है वो धनिया, पता नहीं इतनी, यानी कि काटा, इतनी काटा ना रेसिपीज के अंदर, ख़त्म कर दिया। अभी आप अपना बकेट पेश करेंगे, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ना एक एक थैली लेके आता हूँ, एक एक जो है ना वो मुट्ठी लेके आता हूँ। तेरा क्या मकसद है, मैं जाया कैसे थे? जी प्यारे धन भैया, आज तीसरा दिन है इसको लेके आया, जिसमें दो टाइम सालन बनता है, चटनी बनती है, पकोड़े बनते हैं, तो आप खुद बताएं इतनी सी गुठी वो कितने दिन चले आओ, 3 दिन खत्म हो चुके हैं, तो 3 दिन में वो भी खत्म हो गई। अब इसमें मेरा थोड़ी कसूर है, जो चीज भी खत्म होती है वो मुझे कहते हैं कि ये है ना फजूल खर्चा, खत्म कर देती है। अगर घी खत्म हो जाए कहते हैं सालन में जो है ना घी इसने ज्यादा डाला, अगर सालन में घी कम हो कहते हैं घी अच्छा डाला करो, सालन जो है ना अच्छा बनता है, जब मैं सालन में घी ज्यादा डालू फिर कहते हैं इसने जायका दिया। नमक का दिखावा किया, ज्यादा नहीं डाला, फिर आपने चखना, जब रोजा अफ्तार करेंगे ना फिर, और अगर कम पड़े तो डाल लेना, मेरा फर्ज था बना के रखना, मैंने बना के रख दिया, आगे आप लोग की मर्जी, खाओ या ना खाओ। आज के बाद अगर ऐसी बात करनी है ना तो अपने सालन बनाने वाले भी ले आओ, जो आपको कम खर्चा करवा, और जो है ना उसे बनवाया करो। सच्ची ले आओ मेरी ठीक ले आओ सच्ची क्या ले आओ जो आपने बोली, माशाल्लाह कितनी अच्छी हो तुम ठीक है यार, आपने खुद तो कहा ले आओ, रोजा आए मुड़ी शेर पार करते हैं ना, खत्म कर देना, ये देखें रोजे क्या कहते हैं, रोजा, रोजे की ये बरकत है, रोजा रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बेगम की मार से भी बच जाएंगे। अमीन मैंने मजाक के, आपको क्या सही नहीं बना हुआ मिलता यार, कितनी कोशिश करती हूँ कि यार अच्छे से, नहीं बचत बचत वाली, आपने कहा बचत वाली अगर करवानी है तो कोई और ले आओ, तो मैंने कहा फिर वो, और मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों मिलके ना, हम दोनों मियां बीवी मिलके ना, हम कोई और ले आए जो बचत करे ना। तेरी मेहरबानी, इस घर में मेरे जिंदा होते कोई भी नहीं आए, ये पहले बता दो वो ना कभी दिमाग में रखना भी नहीं, वो ना मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा सबको को देखो तो क्या कहती है माशाल्लाह अच्छी है जी, हंस हंस के जवाब देती है, चलो अपना काम करो, मैं अपना काम, ठीक है मजाक करे ना, चलो अब क्या रोटी बनानी है क्या, चावल नहीं ले आया तेरी बोली बोली दरार, रोटी बनानी है क्या? हाँ रोटी बनानी है, चावल तो है, चावल है, रोटी है, पूछ लेना जो खाए फिर वो खाएगा, 4 पैकेट सारे हैं। तो कौन सा खाते हो वैसे, आटा तो मैं गूंथ के रख रही हूं, आटा सारा गूंथ के रख लो, अम्मी अब पूछ लेना 1-2 रोटियां अगर खाएंगे बना दें, जो खाएगा उसको बना देंगे, जो नहीं खाएगा नहीं बना देंगे, बस आटा तो गूंदा रखा होगा ना, अभी आटा गूंदो, आटा मैं सारी का लेट नाइट गूंदूंगी, क्योंकि आजकल गर्मी होती है कुछ ज्यादा, तो फिर खट्टा हो जाता है, ठीक है हाँ। यार सहरी कर ले, ठीक है अफ्तारी कर ले, चावल चावल सब खा ले, उसके बाद सबसे पूछेंगे रोटी का क्या मूड है, जो बोलेगा उसी टाइम फिर सारा आटा गूंद लेना, उसी टाइम जो खाएगा उसी टाइम बना देना, बाकी जो रख देना, ठीक है ओके, बस अब मेरा काम हो गया, अभी सिर्फ अफ्तारी का सामान वगैरह काटना, जब काट अभी जो है ना दस्तरखान लगाओ, ठीक है उसके बाद सामान काटना शुरू करो, पानी बनाना शुरू करो, टाइम जो है ना वो नहीं, टाइम अभी देर है यार, टाइम अभी बहुत देर है, बहुत देर है, 50 मिनट देर, अभी घंटा देर है, समझ लो घंटा बहुत होता है, रुक जाओ नहीं, 10 मिनट रहता हूँ तब कर लेना बस, ठीक है ओके, फ्रीजर चला दो, बोतल ठंडी हुई पड़ी है सारी, फ्रीजर चला दो, बोतलें ठंडी हुई पड़ी, गर्म हुई पड़ी है या ठंडी, गर्म, हाँ तो भैया खत्म लग गया मेरे, अच्छा फ्रिज इसने चलाई थी, फ्रिज चलाई है ना सरदार, पौनी कहनी पत्ता
लो जी, आज की जो हम अफ्तारी करेंगे उसके लिए ठंडा पानी भी नहीं है, सर भी नहीं है। खैर गुजारा हो जाएगा, बहरहाल वो मजा नहीं। ये कौन पी गया सारी बोतलें? जूस ये है और बोतलों के पैट कौन पी गया? सब पी गए। इसकी ना लाख की चाबी नहीं है, असल में वो सब पी गए बोतलें शोतलें जूस जूस। कौन पी गया? पता नहीं, वो देखना पड़ेगा सीसीटीवी में कौन पी गया। देख लो, ठीक वो सामने नजर आ जाएगा जी। ठीक है, माशाल्लाह सारे घर नंबरदार आ गए थे, सारे बर्तन भी चाहिए थे माशाल्लाह। आपकी अच्छा, सारा सामान वगैरह खत्म कर लिया? मुंशी चला गया, आप भी घर को चक्कर लगाया करो यार। पहले तो आप सामान ले गया, सामान अभी सारा उन्होंने रख दिया, ताला खुला हुआ, बस सामान रख रहे थे पर अच्छा। 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 सारा सामान रख के ना होके फिर चाबी हमें दे दी, ताला मार के चले जाएंगे। मेन गेट लगे हुए थे देखा? सबा आज मेन गेट भी लग गए हैं हमारे घरों को। सबो जी जी, एक बात कह नहीं सुनी मेरी आवाज? मैंने अच्छा कहा है, देख लो वीडियो में। तो वाला थोड़ा ऊंचा आला ना? बा ऊंचा लावा तो आधा थोड़ा घाट लावा, जो घाट लावा दे ऊंचा आला। ऊंचा लाने का मकसद ये होता है जी अहमद, बोलो क्या कहना चाहते हो? ये होता है ऊंचा, ये नहीं होता क्या है? देहात वाली आदत ना वैसी, देखो बंदा होने थोड़ा शहूर सीख दे कहना तेरे खाली वो हो काम है। क्या बोला? क्या मरवा रहे? काला मास्क और क्या? काला मास्क वो तो शौक से लगाती है जी यार, काला मास्क लेडीज जो है ना वो शौक से लगाती है कि हम ना गोरी गोरी हो जाएं। ईद पे सब मैं आपको ले जाऊंगा, आपने बाल भी सेट करवाना, आपने आईब्रो बनवाना, मेकअप शेकअप करवाना, न्यू सूट पहनना, न्यू जूती पहनना, फुल तैयार होना है आपने। अगर आप मुझे कॉलर पे नहीं लेके गए, मैं कैरी नहीं करूंगी। मैं लेके अगर मेरे बाल बनवाओगे कॉलर पे लेके जाके बनवाओगे तो रेडी होंगी, वरना नहीं करूंगी। ये आप अपने दिमाग, वो तो खैर आपकी मर्जी है, रेडी हो या ना हो ठीक है, लेकिन मैं आपको लेके जाऊंगा, वो आपकी मर्जी है रेडी हो या ना हो उस पे मैं आपको लेके जाओगे ना, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं होगी तो साफ जा रहा खर्चा बच जाएगा। अगर आप रेडी मुझे पता है, पहले मैं रेडी नहीं होती थी ना, मिलते करते थे, अब मैं जब ना कहूँ ना कि मैं रेडी नहीं होगी, खुश होता है, इतनी खुश होता है जी। यही दो तीन महीने मेरे खुश होने के, उसके बाद इंशाल्लाह आपको खुश करूंगा। दो तीन महीने रुक जाओ इंशाल्लाह, उसके बाद आपको फुल खुश करूंगा, टेंशन ना ले ठीक है। अच्छा मतलब पूरी शॉपिंग का नहीं कर ले ऐसा पूरी जिंदगी गुजर गई 7 साल शॉपिंग थोड़ी होती है। अच्छा इना मतलब है तो ई में गुजरे नहीं पीबे खुश कान है तेना खुश है इधर देखते गाल कर ये गाली पता क्या होने ये लोग नोट करते हैं और उसमें से निकालते हैं कीड़ा और जो है ना उस अच्छा उस पे फिर करते हैं बात के सबा ने खुद कहा है वो खुश नहीं है। इवें तुम तो बोल देती हो ना, तुम्हारा तो बोलना हो गया, मजाक में बोल दिया, लेकिन वो पतंगड़ बन जाता है फिर इस बात का। आप ना बताओ खुश नहीं हो, आपको किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ में आपको नहीं देता बताओ? यार खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं, शोहर है, घर है, सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, सब चीज़ें हैं। आपने क्यों बोला फिर? ऐसे निकल गया, आपने कहा था ना तीन महीने है जो आपको कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा अच्छा इतनी खत्म लग दी कसम अली में नहीं करी ना सबो, अल्लाह खैर करे। चले जी अभी जो है ना आप साथ में जुड़े रहना है, अभी इफ्तारी का टाइम होता है, इंशाल्लाह आपने साथ रहना है। हाँ, पानी सारा हसन माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो बिरयानी जिंदाबाद जी। अम्मी जान आपका डब्बे में रहने दें। अच्छा अम्मी जान वालों का ना डब्बे में रहने दें जी, ठीक है। आप ना एक और पालो ये, हाँ ये रख दो,
हाँ नहीं ठहर जाते हैं वो अम्मी जान वालों ने नमाज पढ़ के खाते हैं। अच्छा तू क्या खेड़े नहीं बनी पानी ये में बनानी ना टाइट हो ठंडा या खाए हाँ टाइट हा अच खरबूज आई हो उधर ये खत्म है अपना कहने में कपिया ली खरबूजा हिंदवाना शतूत। अच्छा शुरू करो शुरू करो। ओ सबो सालन बनाई चेक करवा हाँ पानी कुछ और वाला बना के नहीं टाइम बहु पे हरी क्योंकि जब 20 मिनट रहते हो ना रोजे को उस टाइम फिर घड़ियां रुक जाती हैं टाइम गुजरता नहीं है। ओ माशाल्लाह चमचा तो लगा सोनी इसमें हाय 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 ये इतनी कौन खाएगा सबो खा जाएंगे क्या तो अभी खाएंगे, सारी टाइम खाएंगे। और ये चावलों में भी डाल लेना थोड़े छोले मजे के होंगे ठीक है खरबूजे दो काट लो ना बस ठीक है दो ये काट लो एक पहले भी काटा हुआ रखा है सही है शतूत भी आधे शाह पर रख दो सबा तो मेरी बात सुनना अगर तूने नहीं लगाना तो मुझे पोचा दो मैं तो लगा लूँ ना टाइम फिर ऐसे जाये हो रहा है तो मुझे तो पोचा मैं लगा दूँ अल्लाह की बंदी पोचा दो मुझे मैं लगा दूँ जी क्या कहे सब जो एक घंटा बातें किए वो ना कर सकते थे। अच्छा जी तो आपको क्या है देखा कि वो सफाई कर रही है फिर भाग गया नहीं आपने भी देखा ना जब अहमद जा रहे फिर जल्दी जल्दी आपने भी ये उठा लिया। अच्छा पहले ये ना इधर पानी मैंने कहा एक तो बच्चे गिरेंगे दूसरा ना जो भी आएगा वो गप लेके ना अंदर आएगा मैंने कहा इसकी सफाई कर दो ये ना मेरी बात इसने नहीं मानी नहीं सुनी फिर मैंने जब आपकी बात नहीं मानी किसने कहा मुझे बताओ इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है यार इतना आदन सब बात सही कह नहीं हाँ अगर थोड़ी जुबान में शीरी ले आना तो सब कहेंगे सबा माशाल्लाह अच्छी है सिर्फ जुबान होती है इंसान दी बस जुबान अगर बंदा अच्छी बोले ना सुकून से प्यार से तो वो इंसान अच्छा आपने देखा है जो प्यार से और खुश इखलाकी से कितने लोगों का दिल जीत लेते हैं अल्लाह की बंदी वो कहते हैं यही जुबान है इंसान को अर्श पे ले जाती है यही जुबान है जो फर्श पे लेके आती है सब थोड़ा ख्याल किया करो ठीक है अल्लाह तो बात होती है बात ऐसे बंदा सुकून से करता है ऐसे भूख नहीं मारते ना वो भी हस्बैंड के आगे ना दुनिया देख रही होती है दुनिया देख रही होती है फिर मेरी बेइज्जती होती है मारे पे खड़ी रहे। यार हस्बैंड हस्बैंड होता है और कुछ यार हस्बैंड होता है लेकिन देखो वीडियो के अंदर हस्बैंड ने भूख मारी है नहीं मारी आपने मारी है और मैंने काफी बार आपको समझाया है सबो कि जब एक बंदा बोल रहा हो ना चुप करके सुनती रहा करो बर्दाश्त कर लिया करो जब वो बोल ले फिर उसका आप जवाब दिया करो अब बीच में बोलती हो ना बुरी लगती हो ठीक है हैं ओड़े देख ओड़े 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 पानी पी रहा है वो ये पानी पी रहा है जी ये पानी पी रहा है हसन हसन सोया हुआ हसन सो रहे हो ठंडी जमीन है गिर पड़ोगे यार ओ ओ, 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 ओ अभी जो है ना हम दुआ करवाते हैं जी अभी जो है ना हम दुआ करवा लेते हैं और इफ्तारी का टाइम जो है ना वो होने वाला है चार मिनट बाकी हैं तो हमारी स्वीडन से सिस्टर हैं उसके लिए भी दुआ करवानी है अल्लाह पाक उसके घर में खुशियां दे उसके बेटों की शादियां हो जाएं और हमारी बहन है जिन्होंने माशाल्लाह से राशन भी चलाए और माशाल्लाह से ईद की खर्चियाँ भी दी मुस्तहक लोगों को भी दिए तो उस बहन के लिए भी माशाल्लाह उसके दो दो बेबी है एक बेटी है एक बेटा है वो हमारी यूके से सिस्टर हैं उसके लिए भी और आप तमाम देखने वालों के लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं अबू जान दुआ करवा दें اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
अल्लाह हमारा बेजान नहीं मुकीम सलातिया ने दरिया तेरा बना हुआ था कब बल दुआ रब्बा ना वो फिर ली वाले वाले दया वाले मोमिनीन यो मेरा अल्लाह ये सुल्तान ने मेरा मौला अस्तारे दे खातरे में इतने पैसे देने ये जंगी जीते हैं मेरे गरीब वास्ते मेरा मौला उन्हें जो आज जो है परेशानी होने की परेशानी दूर फरमा मेरा अल्लाह आमीन मुझे बेटी है बेटा है उसे शादी होने दें मेरा अल्लाह इन्हें शादी हो जाए मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह सारी दुआ अपने रोजे के टाइम पर दुआ है मेरा अल्लाह सारी दुआ अपने बार बार मजबूत से मजबूत फरमा आमीन मेरा अल्लाह बाकी जो भी बेबी परेशान हाल हैं तो उन्हें परेशानियाँ दूर फरमा देना होगा जो बे औलाद हैं उन्हें मदीना औलाद का फरमा देना होगा जो बीमार हैं शिफाए कामला आजरा मुतिया का फरमा देना होगा तमाम मुसलमान की खैर फरमा देना होगा जितने अरे मेरा अल्लाह तेरे नेक महीने में मेरा मौला साल इन्हें को रखने की तौफीक अता फरमा देना होगा मेरा अल्लाह खुशी दे नसीब फरमा देना होगा अल्लाह ताला खैर खैर की जी प्यारे बहन भाइयों अभी जो है ना मैंने काशिफ भाई को बुलाया है ये इधर ही मजदूरी कर रहे थे तो अभी इधर मजदूरी ख़त्म हो गई ना तो अभी ये घर जा रहे हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते थे कि आप अपनों की भी हेल्प किया करें आप इधर बाहर तो जाते हैं तो जो भी मुस्तहिक होता है मुझे पता होता है यार इसके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है जबकि मैं मेहनत मजदूरी भी कर रहा है फिर भी हालात ठीक नहीं है तो उनकी हम ज़रूर हेल्प करते हैं तो अभी जो है ना ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी कोई मजदूरी जो है ना वो नहीं मिलती बड़ी मुश्किल होती है और ये खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं अक्सर जो है ना ये बीमार रहते हैं तो अभी जो है ना इनको जो है एक ये काशिफ भाई मेरी तरफ से आपको ईद का सूट ठीक है ये आपने सिलाई करवाना है और ये जो है ना आपने पहनना है ईद पे उसके बाद हमारी स्वीडन से सिस्टर हैं उसने कहा कि आपने ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी है जिनके घर में कभी उन्होंने अच्छा खाना ना बनाया हो बच्चों के लिए कोई इस तरह तो अभी जो है ना ये आपके लिए उनकी तरफ से सिस्टर की तरफ से आपने ना ईद वाले दिन ना अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है ठीक है उनको गोश्त या चिकन वगैरह इस तरह से या उनको मतलब आप होटल पे ले जाना वहाँ पे आपने बच्चों को खाना खिलाना है ठीक हो गया और स्वीडन सिस्टर के लिए दुआ करनी है उसके बेटे हैं उनकी जो है ना अच्छे रिश्ते हो जाएं और उनकी शादियाँ हो जाएं घर में जो है ना वो बच्चे हों उनके और रौनक मेले जो है ना उनके हो जाएं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में देखें बच्चे हैं रौनक हैं तो इस तरह से उनके घर में भी रौनक हो आमीन सुम्मा आमीन हाँ जी बहुत शुक्रिया जी प्यारे बहन भाइयों अभी जो है हम गुड न्यूज शेयर करते हैं माशाल्लाह से कि मेरी सभा को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक बेटी देगा या बेटा देगा तो अभी जो है ना यही बात आपके साथ शेयर करेंगे माशाल्लाह से ओ सभा के अम्मी अब्बू भी आ गए हैं मुबारक देना है माशाल्लाह मुबारकबाद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी यही बेटी यही बेटा मुबारकबाद हो गई आपको भी मुबारकबाद खैर मुबारक जी माशाल्लाह हाँ जी अल्लाह पाक जो है ना खैर खरियत से जो है ना वो बेबी अदा करे हाँ जी और दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना हमें बेटी दे इस बार ना क्योंकि हमारे दो माशाल्लाह से मुन्ने शहजादे हैं इनकी जब क्यूट सी है इनकी तरह सोनी सोनी प्यारी प्यारी बेटी होगी ना तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना हमारे घर में रौनक बढ़ जाएगी और जब भी हम बाजार जाते हैं ना वहाँ पे कपड़े देखते हैं ना बेटियों वाले तो इतनी ज्यादा खुश होते हैं हम कहते हैं काश हमारी बेटी होती ना तो यही कपड़े अभी लेते और सबसे कीमती कपड़े ही लड़कियों के होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के होते हैं खूबसूरत होते हैं परियां बन जाती हैं वो जैसे कहते हैं बाबा की परी मम्मा की शहजादी इस तरह जो है ना वो होता है तो अभी जी आपको बताते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना वो बेटा देगा या बेटी जैसे आपको पता है चेकअप वगैरह कर अल्ट्रासाउंड होता है तो फिर बताते हैं तो अभी जो है ना वो नहीं करवा सकते अभी दे रहे तकरीबन मतलब कि 6-7 महीने या 5 महीने बाद फिर जो है ना वो देखेंगे बाकी अभी रब जानता है जी अल्लाह पाक बेटा देगा या बेटी देगा तो पहले तो ये चीजें भी नहीं होती थी मतलब पहले जो है ना वो अल्ट्रासाउंड नहीं होता नहीं था हाँ वो तो जब होता था पैदा होता था बच्चा उस टाइम पता चलता था बेटा है या बेटी है अभी तो पता चल जाता है 6 महीने में 5 महीने में पता चल जाता है तो हाँ जी तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह पाक हमें बेटी देगा और आप सबने भी दुआएं करनी है अल्लाह पाक हमें बेटी दे तो अभी हम जा रहे हैं इसको जो कुत्तू ने काटा था इसको या दूसरे को इसको इसको कुत्तू ने काटा था आज 4 तारीख को फिर इंजेक्शन लगने फिर 8 तारीख को भी लगने अभी मैं जा रहा हूँ इनको साथ लेके इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल तब तक जो है ना आप दुआएं करें हमारे तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद साफिन भाई बाय बाय जी